Hello students, I'm Monica Bansal. I hope you all are well. So today I'm going to start the topic chromosomal theory of inheritance. Let's discuss its content. In this topic we will discuss first of all key terms and then introduction, gene locus, then we will discuss discovery of chromosome theory of inheritance and then points of chromosomal theory of inheritance. And then parallelism between Mendelian factor and chromosomal behavior. And then we will discuss the different scientists' view points which support the chromosomal theory of inheritance. And in last, we will discuss the summary of this topic. So first of all, what are key terms? There are little bit two or three terms which I feel you will need to understand. What are autosomes? बच्चे ऑटोसोम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जिसमें हमारे बाकी सारे ट्रेट्स बाकी सारे करेक्टर्स होते हैं क्रोमोसोम, उन क्रोमोसोम्स को क्या बोलते हैं ऑटोसोम। और सेक्स क्रोमोसोम पे सेक्सुअल ट्रेट्स होते हैं हमारे। सो हमारे हर सेल में दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं, एक होते हैं ऑटोसोम, एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं उसमें सेक्सुअल बिहेवियर के ट्रेट्स होते हैं, और जो ऑटोसोम्स हैं उसमें बाकी अपनी नेचर के अपने प्रोटीन्स के सारे करेक्टर्स उन ऑटोसोम्स में होते हैं। नेक्स्ट टर्म इज हेमीजाइगस। व्हाट इज हेमीजाइगस? इफ इन अ सेल आइदर इट इज अ डिप्लॉयड सेल ए ओनली सिंगल कॉपी ऑफ जीन इज प्रेजेंट देन दैट सेल इज कॉल्ड हेमीजाइगस। इन डिप्लॉयड स्टेट इवन ओनली सिंगल कॉपी ऑफ जीन इज प्रेजेंट देन इट इज कॉल्ड हेमीजाइगस। द लास्ट टर्म इज वाइल्ड टाइप। व्हाट इज वाइल्ड टाइप? द डोमिनेंट द मेन करेक्टर द मेन स्ट्रेन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड वाइल्ड टाइप विच इज़ यूजली फाउंड इन नेचर, उसको हम क्या बोलते हैं वाइल्ड टाइप। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स करे थे पी प्लांट पे, तो वहाँ पे क्या था, एक था टॉल एक था ड्वार्फ। सो डोमिनेंट ट्रेट क्या था? टॉल। नेचर में यूजली टॉल ट्रेट मिलता है पी प्लांट्स का, तो हम टी जो पी प्लांट है उसके टॉल ट्रेट को क्या बोलेंगे, वाइल्ड टाइप ट्रेट। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैंने बताया कि क्रोमोसोम क्या है बच्चे। क्रोमोसोम एक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर सारा जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है। दे आर कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। हम इसको डीएनए और प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है, और वो किसके साथ एसोसिएट होता है, प्रोटीन्स के साथ। ठीक है जी। सो दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्रिमिटिव कौन से होते हैं, बैक्टीरिया, और जो एडवांस है वो कौन से हैं, यूकेरियोट्स। जो बैक्टीरिया है उसमें बहुत सिंपल तरह के क्रोमोसोम होते हैं, आई होप ऑल ऑफ यू नो अबाउट दैट। सिंगल क्रोमोसोम होता है, सर्कुलर क्रोमोसोम भी होता है बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट्स में। और जो यूकेरियोट्स हैं उसमें तरह तरह के सेट होते हैं क्रोमोसोम के, कंप्लीट क्रोमोसोम का सेट होता है जिसमें अलग अलग तरह के क्रोमोसोम होते हैं। और यूकेरियोट्स में क्रोमोसोम का नंबर भी डिफरेंट होता है, उसमें सिर्फ एक क्रोमोसोम नहीं होता, बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं। नाउ बेटा, जीन लोकस क्या होता है? जीन लोकस किसने डिस्कवर करा था? सूटन एंड बोवरी ने डिस्कवर करा था। क्या बोलते हैं वो, कि एक जो होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है उस पर अलग अलग करेक्टर के जो जीन है उन स्पेसिफिक पोजीशन जो है ऑक्यूपाई करते हैं। मैं डायग्रामेटिकली समझाती हूँ आपको। जैसे कि ये है, ये दो होमोलोगस पेयर हैं, एक क्रोमोसोम ये है और एक क्रोमोसोम जी, ये दो क्रोमोसोम हैं। इन दोनों क्रोमोसोम को हम इकट्ठे क्या बोलेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम। क्यों होमोलोगस क्रोमोसोम बोलेंगे? क्योंकि इनमें अलग अलग करेक्टर के जो जीन हैं उनकी पोजीशन, उनका स्ट्रक्चर सब कुछ सेम है। सो ये दोनों पेयर अप कर सकते हैं ऐसे, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम। और वो करेक्टर के जीन जिस पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसका जीन लोकस। इस तरह से ये क्या है, जीन लोकस, कि क्रोमोसोम के स्पेसिफिक पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं कुछ करेक्टर के जीन, और उस पोजीशन को उन जीन का क्या बोलते हैं, जीन लोकस, और जीन एलील भी बोल सकते हैं सिंगल सिंगल। ठीक है जी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इट्स डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या बोल रहा है, कि जो मेंडल जीन है वो स्पेसिफिक लोकस पे पड़े होते हैं, डेफिनेटली स्पेसिफिक पोजीशन जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं क्रोमोसोम पे, उस पोजीशन को उसको क्या बोलते हैं, लोकस, जीन लोकस। ठीक है जी।
स्टूडेंट्स, अब हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। मेंडल की एक्सपेरिमेंट के बारे में और वर्क के बारे में तो आपको पता ही होगा। सो मेंडल के वर्क के बाद दो साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट ने वर्क किया जेनेटिक्स पे, पर ये जो दो साइंटिस्ट थे, जो अदर बोवरी और दूसरा था वॉल्टर सूटन, ये दोनों साइंटिस्ट ने 1902 में रिसर्च करी और एक थ्योरी डेवलप करी जिसको बोलते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बच्चे, दोनों साइंटिस्ट अलग अलग रिसर्च कर रहे थे। जो थियोडोर बोवरी था वो रिसर्च कर रहा था, उसने अपनी रिसर्च में क्या कहा कि सी अर्चिन जो है, सी अर्चिन एक एनिमल है, सी अर्चिन की एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट कहता पॉसिबल ही नहीं है जब तक उसमें क्रोमोसोम प्रेजेंट ना हो। सो क्रोमोसोम का होना सी अर्चिन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी साल वॉल्टर सूटन भी रिसर्च कर रहा था, उसने अपनी रिसर्च में क्या कहा कि क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, होमोलोगस पेयर जो मैंने अभी डिस्कस करे वो सेपरेट होते हैं अलग अलग डॉटर सेल में जब मियोसिस होती है। तो इन दोनों की जो रिसर्च थी, इन दोनों की जो ऑब्जर्वेशन थी, उनको इकट्ठे हमने एक थ्योरी का नाम दे दिया और बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं हमने बना दिए उन लोगों ने इकट्ठे मिलके। सो कौन सी थ्योरी का नाम दिया उन्होंने, कौन सी थ्योरी डिस्कवर करी? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये दो साइंटिस्ट थे, सूटन एंड बोवरी, जिन्होंने डेवलप करी थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस अपनी अपनी रिसर्च के बेस पे। ठीक है जी, सो पॉइंट डिस्कस करेंगे हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के। सबसे पहला पॉइंट क्या है इसमें कि क्रोमोसोम एंड जीन्स आर प्रेजेंट एज पेयर इन डिप्लॉयड सेल, कि डिप्लॉयड सेल में क्रोमोसोम जो है वो हमेशा पेयर में होते हैं। अभी मैंने आपको होमोलोगस पेयर बताया ना कि वो क्रोमोसोम जिसका साइज, शेप, स्ट्रक्चर सेम है वो हमेशा पेयर अप कर लेते हैं डिप्लॉयड सेल में। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है वो कि होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस, कि जब मियोसिस होती है, गेमीट फॉर्मेशन होती है, तो वही होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट में बोल रहा है कि फर्टिलाइजेशन में जब फिर वही दो होमोलोगस क्रोमोसोम दोबारा से पेयर अप हो जाते हैं, रीस्टोर हो जाते हैं, दोबारा से डिप्लॉयड कंडीशन जो है क्रिएट कर देते हैं। इन द फोर्थ पॉइंट उन्होंने क्या बोला है कि जो क्रोमोसोम बार बार सेपरेट हो रहे हैं, सेग्रीगेट हो रहे हैं मियोसिस के दौरान, गेमीट फॉर्मेशन के दौरान, वो इंडिपेंडेंटली होते हैं। ये नहीं कि स्किन कलर का वाला क्रोमोसोम जो है वो आई कलर के क्रोमोसोम के साथ ही एसोर्ट होगा, सेग्रीगेट होगा, नहीं, अलग अलग। स्किन कलर का क्रोमोसोम जो है होमोलोगस पेयर, वो अपना इंडिपेंडेंटली क्या होगा, सेपरेट होगा, और आई कलर का क्रोमोसोम जो है वो अपना इंडिपेंडेंटली सेपरेट होगा। इन दोनों का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा है कि जो जीन है क्रोमोसोम पे कुछ स्पेशल तरह के स्ट्रक्चर, स्पेशल तरह के प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, डीएनए प्रेजेंट हैं, उसको उन्होंने क्या नाम दिया, जीन्स, कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, और यही जीन है जो हमारे कैरेक्टर को डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद डिटेल में जब उसने बोला कि मियोसिस के दौरान जब होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, कैसे सेपरेट होते हैं, एज अ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, अलग अलग स्ट्रक्चर बन जाते हैं और अलग अलग एमीट में चले जाते हैं, बट वो जो सेपरेट होते हैं वो दूसरे क्रोमोसोम पेयर के साथ उनका कोई कनेक्शन नहीं होता, दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्रोमोसोम पेयर। नेक्स्ट पॉइंट में उसने क्या कहा कि जो क्रोमोसोम की सेपरेशन होती है, सेग्रीगेशन होती है, सॉर्टिंग होती है होमोलोगस पेयर से इनटू प्री गेमीट्स अपीयर टू बी रैंडम, रैंडमली होती है। ये नहीं कि पर्टिकुलरली एक क्रोमोसोम ने एक गेमीट में ही जाना है, कोई भी क्रोमोसोम जो है वो किसी भी गेमीट में जा सकता है रैंडमली। होमोलोगस पेयर में जो दो क्रोमोसोम होते हैं, कोई भी क्रोमोसोम किसी भी गेमीट में जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या डिस्कस करा उसने कि ईच पेरेंट सिंथेसाइज गेमीट दैट कंटेन ओनली हाफ ऑफ देयर क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट, कि जो पेरेंट गेमीट बनाते हैं उसमें हाफ ही जाएगा क्रोमोसोम का कॉम्प्लीमेंट। डेफिनेटली होमोलोगस पेयर में दो क्रोमोसोम होते हैं, दो में से एक क्रोमोसोम ही एक गेमीट में जाएगा, सो क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट का हाफ हो गया ना वो। उसके बाद वो बोल रहा है कि मेल एंड फीमेल गेमीट जो है उनका साइज डिफरेंट होता है, मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होती है। आप लोगों को पता है कि जो स्पर्म है वो उसमें फ्लैजेला होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर होता है, एलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है उसका, बट जो एग है वो स्फेरिकल होता है, नॉन मोटाइल होता है। तो इनका साइज, मॉर्फोलॉजी काफ़ी डिफरेंट है, बट स्टिल इन दोनों में क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, सेम। सो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं क्या बनाने के लिए, आगे जाइगोट बनाने के लिए। लास्ट पॉइंट क्या डिस्कस किया उसने कि गेमीटिक क्रोमोसोम कंबाइन करते हैं फर्टिलाइजेशन में और ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। कहता कि फर्टिलाइजेशन के दौरान ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम जो मियोसिस के दौरान सेपरेट हुए थे वो फिर दोबारा से क्या हो जाएंगे, कंबाइन कर लेंगे और अपनी डिप्लॉयड कंडीशन को क्या कर लेंगे, रीस्टोर कर लेंगे। सो बच्चे, ये सारे पॉइंट्स क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की हैं जो आपने एज इट इज़ लर्न करने हैं।
उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं मेंडेलियन फैक्टर एंड क्रोमोसोमल बिहेवियर, कि जो मेंडल ने फैक्टर बताया था और जो क्रोमोसोम था उन दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, कुछ पैरेलिज्म है। क्या सिमिलैरिटीज उसने बताई? सबसे पहली सिमिलैरिटी क्या है कि फर्स्ट एलील ऑफ अ फैक्टर अकर इन पेयर, कि जो फैक्टर के एलील थे वो हमेशा पेयर में होते हैं। बिल्कुल सही, क्रोमोसोम भी हमेशा पेयर में होते हैं। मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम पेयर में होते हैं और उन पेयर को क्या बोलते हैं, होमोलोगस पेयर। सेकेंड पॉइंट में क्या बोल रहा है वो, सिमिलर एंड डिससिमिलर एलील ऑफ अ फैक्टर सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। वही जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बताती है कि गैमेट फॉर्मेशन के दौरान या मियोसिस के दौरान ये दोनों फैक्टर जो है सेपरेट हो जाते हैं। डेफिनेटली होमोलोगस क्रोमोसोम भी सेपरेट हो जाते हैं मियोसिस के दौरान। सो दोनों का जो बिहेवियर है वो क्या हो गया, काफ़ी हद तक सिमिलर हो गया। थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है वो, मेंडेलियन फैक्टर कैन एसॉर्ट इंडिपेंडेंटली। डेफिनेटली एक मेंडेलियन फैक्टर दूसरे मेंडेलियन फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता जब वो सेपरेट होते हैं। ऐसे ही पेयर्ड क्रोमोसोम भी इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं मियोसिस में। जब एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम से सेपरेट होता है तो उसका दूसरे पेयर से कोई लिंक नहीं होता, इंडिपेंडेंटली मियोसिस में वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। सो काफ़ी हद तक मेंडेलियन फैक्टर और क्रोमोसोम जो हैं वो सिमिलर थे। नेक्स्ट बच्चे हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के एविडेंसेस बताऊंगी मैं। बहुत सारे साइंटिस्ट मेंडल, डार्विन, मॉर्गन ने अपना सपोर्ट किया कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बिल्कुल सही है। सबसे पहले मेंडल ने जो अपना काम किया था उसमें मेंडल ने क्या कहा कि मेंडल स्पेकुलेटेड दैट सेल कंटेन सम टाइप ऑफ फैक्टर्स, कि कुछ तरह के फैक्टर्स होते हैं, उस फैक्टर्स में क्या होते हैं, ट्रेट्स, और वो ट्रेट्स जो हैं वो वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। डेफिनेटली वो फैक्टर्स ही हैं जिसमें सूटन एंड बॉबरी ने उन फैक्टर्स को क्या नाम दे दिया, क्रोमोसोम नाम दे दिया। नेक्स्ट डार्विन ने क्या बोला, डार्विन ने भी थ्योरी अपनी निकाल ली जिसमें उसने बोला कि जेम्यूल, उसने कुछ यूनिट्स बताए, उन यूनिट्स को क्या नाम दिया, जेम्यूल्स, कि वो जेम्यूल्स हैं, हर बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जेम्यूल्स, उसके सेक्शुअल ऑर्गन्स में चले जाते हैं जेम्यूल्स और वहाँ पर स्टोर हो जाते हैं, और उन सेक्शुअल ऑर्गन से जेम्यूल जाते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। यानी कि ये भी कोई ऐसी चीज़ जेम्यूल जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ये भी हेरिडिटी पे क्या कर रहा है, बिलीव कर रहा है। सो मेंडल ने और डार्विन ने दोनों ने क्रोमोसोमल थ्योरी को क्या किया, सपोर्ट किया। नेक्स्ट जो वर्क है जिसने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को सॉल्टिफाई करा, सपोर्ट करा, वो था थॉमसन हंट मॉर्गन। बहुत बढ़िया साइंटिस्ट था बेटा, जेनेटिक्स पे बड़ी अच्छी रिसर्च करी इसने रिसर्च करी फ्रूट फ्लाई पे, ड्रोसोफिला नाम की एक फ्लाई थी, उसके आई कलर पे इसने रिसर्च करी और एक एक्सपेरिमेंट करा। क्या एक्सपेरिमेंट करा उसने एक्सपेरिमेंट करा उसके आई कलर को जो इफेक्ट करता था, कि एक ड्रोसोफिला नाम की जो फ्लाई थी उसके जो नॉर्मल आई का कलर क्या था, रेड। नॉर्मल आई कौन सी थी उसकी, रेड कलर की, बट उसके आँख के क्रोमोसोम में कुछ म्यूटेशन होगी जिसकी वजह से उसकी आई कलर क्या हो गया, वाइट। देखो ये दो तरह की फ्लाइज बन गई, एक जो है रेड आई कलर की, एक वाइट आई कलर की। जो रेड आई कलर की फ्लाई थी वो क्या थी, नॉर्मल थी, वाइल्ड टाइप थी, और जो वाइट आई कलर की फ्लाई थी वो म्यूटेट होके बनी थी, म्यूटेशन होके बनी थी। अब इसने एक्सपेरिमेंट क्या करा, सबसे पहले इसने रेड आई जो रेड आई फीमेल थी उसको वाइट आई मेल के साथ क्रॉस करवा दिया। F1 जनरेशन में उसने देखा कि जो फीमेल प्रोड्यूस हुई या मेल प्रोड्यूस हुई जितनी भी, वो सारी की सारी कौन सी थी, रेड कलर की थी। F1 जनरेशन में सारी जो फ्लाइज थी वो रेड कलर की आ गई। फिर उसने F2 जनरेशन बनाई। F2 जनरेशन उसने कैसे बनाई, रेड आई फीमेल ली और रेड आई मेल ली। जब उसने इन दोनों को क्रॉस कराया तो उसके पास जितनी भी फीमेल्स आई वो सारी रेड कलर की थी, और जितने भी मेल्स आए उसमें हाफ मेल्स क्या थे, रेड आई के, और हाफ मेल क्या थे, वाइट आई कलर के थे। सो इसका मतलब कुछ ना कुछ जो आई कलर का कनेक्शन है वो सेक्स से कंसर्न है। ये चीज़ जो है उसने बताई हमें कि जो आई कलर का करैक्टर है वो किसी सेक्स क्रोमोसोम पर है। सो लेट्स सी क्या डिस्कस करा उसने, क्या कंक्लूजन निकाला उसने। ये उसने तो उसने ये एक्सपेरिमेंट करा बच्चे, उसके बाद उसने ये देखा कि जो F1 फ्लाइज थी वो तो सारी रेड कलर की आई, बट जो F2 फ्लाइज थी उसमें फीमेल रेड कलर की आई, बट हाफ ऑफ द मेल क्या है F2 में, वाइट कलर की, और हाफ ऑफ द मेल क्या है, रेड कलर की।
तो उसने ये डिस्कस करा, ये उसने कंक्लूजन निकाला कि को जो रेड कलर या वाइट कलर आई का करैक्टर है वो कहीं ना कहीं सेक्स क्रोमोसोम पे है। कैसे? देखो, जो ड्रोसोफिला होती है बच्चे, उसमें जो मेल होता है उसमें क्या कंपोजिशन होती है मेल की क्रोमोसोम की? एक्स वाई की, यानी कि उसमें एक एक्स होता है, एक क्या होती है वाई, और जो फीमेल होती है उसमें दोनों एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो उसने ये कंक्लूजन निकाला कि जो आई कलर का करैक्टर है वो कहीं ना कहीं उसका जो इनहेरिटेंस का पैटर्न है वो सिमिलर है जैसे कि एक्स कलर एक्स क्रोमोसोम इनहेरिट हो रहा है। यानी कि आई कलर का जो करैक्टर है वो कौन से क्रोमोसोम पे है? एक्स क्रोमोसोम पे लोकेट कर रहा है। ये उसने कंक्लूजन निकाला अपने इस एक्सपेरिमेंट से कि जो आई कलर है वो ऐसे ही ट्रांसमिट हो रहा है जैसे एक्स क्रोमोसोम ट्रांसमिट हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे। सो ये जो कलर जीन का करैक्टर है आई कलर का वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। सो समरी हम क्या निकालते हैं इसमें क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की टॉपिक में, कि सबसे पहले तो जो मेंडल था उसने भी अपना वर्क करा और वर्क करके बताया कि ट्रांसमिशन कैसे होती है करैक्टर्स की, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन कैसे जीन जाते हैं, कैसे क्रोमोसोम जाते हैं, करैक्टर्स कैसे जाते हैं। उसके बाद चार्ल्स डार्विन है, जो उसने भी बताया कि ट्रांसमिशन कैसे होती है, हेरिडिटी कैसे पॉसिबल है। उसके बाद फ्लेमिंग्स ने जब क्रोमोसोम की डिस्कवरी करी तो उसने बिल्कुल क्लियर कर दिया माइटोसिस के दौरान कि क्रोमोसोम और करैक्टर्स कैसे ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है जी, तो सूटन एंड बोवरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बनाई और मॉर्गन ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि क्रोमोसोम जो हैं वो जीन के साथ लिंक होते हैं, जीन जो होते हैं स्पेशल करैक्टर के वो क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी बच्चे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में था। आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा हुआ इस वीडियो से। बच्चे ध्यान से नोट्स बनाना, इसको प्रॉपरली प्रिपेयर करना। गुड लक।